वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा, अगर आप केबल टीवी हेड एंड लगाना चाह रहे हैं, खुद का एमएसओ बनना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरीके का ऑडिट्स की ज़रूरत है, पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग नए एमएसओ हैं जो कि अभी अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों का सवाल था क्या सर हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नया एमएसओ है यानी कि नया अगर हेड एंड भी लगा रहे हो आप, तो वहाँ पर बेस सेल ऑडिट कराना ज़रूरी है। बेसिकली इस ऑडिट में क्या होता है, जो भी आप इक्विपमेंट्स लेकर आए हो, जैसे कि इनकोडर है, मक्स है, IRDs है, जो कंट्रोल रूम आप सेट कर रहे हो, उस कंट्रोल रूम की टेक्निकल एक तरीके से देखा जाए तो ऑडिट होता है, जिसमें बेसिकली आपके सारे डिवाइस का डेटा लिया जाता है, कौन से कैश लगाए हो, कैश की क्लेरिफिकेशन लिया जाता है, कैश सर्टिफिकेट लिया जाता है। उसके बाद अगर SMS लगा है तो कौन से कंपनी का SMS लगा है, SMS का सर्टिफिकेशन लगेगा, सेटअप बॉक्स आप कौन सा लिए हो उसका BIS सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारी चीज़ें टेक्निकल ऑडिट में दिया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बेसल ऑडिट में भी हो सकता है कि जो नया हेड एंड लगा रहे हो, एज ए टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तरीके के बॉक्सेज हैं, उनका एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, पेयरिंग, अनपेयरिंग और अनस्क्रैम्बल चैनल चलता है, तो किस तरीके के मैसेज आते हैं, सारा चीज़ वहाँ पे चेक किया जाता है। अगर आप नया हेड एंड भी शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम ये टेक्निकल ऑडिट कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको ब्रॉडकास्टर के चैनल से मिलता है, क्योंकि विदाउट ऑडिट कोई भी ब्रॉडकास्टर आपको चैनल्स नहीं देगा, और अगर चैनल दे भी देगा तो चैनल स्टार्ट होते ही आपको ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि उन्हें भी लगाना पड़ता है। बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा ये ऑडिट कराया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट है। इसमें कुछ खास होता नहीं है, सारे हर एक डिवाइस का विवरण देना होता है, उसके सर्टिफिकेशन देना होता है, सेटअप बॉक्स का सर्टिफिकेशन देना होता है, BIS सर्टिफिकेट हो गया, कैश सर्टिफिकेट, SMS सर्टिफिकेट, एडेंट MSO लाइसेंस, सारा कॉपीज दिया जाता है उनको, ताकि उनके रिकॉर्ड में आ सके कि पर्टिकुलर XYZ MSO जो है, इस कंपनी का कैश, SMS या उनका जो भी बॉक्स है, जो MSO लाइसेंस है, कब तक अप्रूव है, सारा कुछ MIB के पास, ट्राई के पास हो, ताकि फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ के ऊपर ठोस कदम उठाया जा सके। ये अपडेट है दोस्तों। और इसके बाद अगर जब आपका हेड एंड रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तो उसके 6 महीने के बाद आपको ऑडिट का, जो ऑडिट होगा बेसिकली उसमें जो भी पैकेजेस चल रहे हैं, कमर्शियल प्लस टेक्निकल, दोनों ऑडिट होगा। फिर उसके बाद हर 18 महीने के अंदर पे एक ऑडिट करा कर ट्राई को ब्रॉडकास्टर को देना होता है। एक कुछ ऑडिट के बेसिक्स रूल्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऑडिट कैसे कैसे कराना पड़ता है। तो जब नया हेड एंड लगेगा उस टाइम पे बेसिल ऑडिट होगा, टेक्निकल ऑडिट होगा, फिर उसके बाद हेड एंड शुरू होने के 6 महीने बाद आपको एक कमर्शियल प्लस टेक्निकल ऑडिट कराना होगा। फिर हर 18 महीने के अंदर जो ऑडिट होगा, जो ट्राई ऑडिट कहते हैं, उस ऑडिट को सभी ब्रॉडकास्टर्स को, साथ ही ट्राई को रिपोर्ट जाती है। यही ऑडिट का रूल्स है। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।